हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 जून। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 जून 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, FIH वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में पुरुषों में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो टॉप पर है दोस्तों बेल्जियम। भारत की रैंक है 4th। ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 को हुई थी। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 6 जून को संयुक्त राष्ट्र के किस आधिकारिक भाषा के दिवस को मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में दोस्तों 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं और इनमें से एक है रशियन लैंग्वेज, और इसके लिए रशियन लैंग्वेज डे मनाया जाता है 6 जून को, संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस। ओके, 6 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, चाइनीज है, रशियन है और है अरेबिक। तो ये 6 आधिकारिक भाषा है संयुक्त राष्ट्र में। तो इन सभी के लिए एक एक दिन डिसाइड किया गया है और ये सभी दिन मनाया जाना शुरू हुआ 2010 से। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की सभी आधिकारिक भाषाओं का दिन मनाए जाने की शुरुआत हुई 2010 से। सबका अलग अलग रीजन है, सभी का कारण जो है उनके देश में जो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति थे या फिर कोई प्रसिद्ध लेखक थे उनकी याद में मनाया जाना शुरू हुआ है। तो ऐसे ही रशियन लैंग्वेज डे जो मनाया जाता है, ये दोस्तों एक बहुत ही फेमस रूसी कवि थे अलेक्जेंडर पुश्किन, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये यूनेस्को के द्वारा दिन डिसाइड किया गया है, इसके द्वारा मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं को एक एक दिन डिसाइड किया गया है। क्लियर? बिल्कुल, ये 6 आधिकारिक भाषाओं को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए 1 जून से अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उनका रिविजन कर लीजिए। 1 जून को दोस्तों सबसे पहले वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को दोस्तों विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। इसके बाद 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया और 6 जून को अब इंटरनेशनल या कहें कि यूनाइटेड नेशन का रशियन लैंग्वेज डे मनाया गया। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती? तो अभी हाल ही में दोस्तों अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीत लिए है सर्जियो पेरेज ने। किसने? सर्जियो पेरेज ने जीती है। ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं, नया नाम है याद रखिएगा, रेडबुल के खिलाड़ी हैं ये सर्जियो पेरेज, और रेडबुल में जब से ये शामिल हुए हैं इनकी पहली जीत है सर्जियो पेरेज की। क्लियर? अब तक आप लोग मैक्सिमम नाम लुइस हैमिल्टन के और मैक्स वर्स्टैपन वगैरह के सुनते होंगे, सर्जियो पेरेज का भी नाम याद रखिए, रेडबुल के खिलाड़ी हैं, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस इन्होंने जीत ली है। ओके, अच्छा अभी तक जो भी फार्मूला 1 रेस हुई हैं उनका रिवीजन करिए। देखिए दोस्तों, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, ये 3 ग्रैंड प्रिक्स इस साल की लुइस हैमिल्टन ने जीते हैं। लुइस हैमिल्टन दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं फार्मूला 1 रेसिंग में, सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। इसके बाद दोस्तों एमालियास रोमाग्ना हुआ था ग्रैंड प्रिक्स, उसको जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने, और मैक्स वर्स्टैपन ने ही मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। तो ये 2 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। मैक्स वर्स्टैपन भी रेडबुल के ही खिलाड़ी हैं, और वहीं लुइस हैमिल्टन दोस्तों ये मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं। किसके? मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं। क्लियर? बिल्कुल, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही में दोस्तों यूनाइटेड नेशन का SDG रिपोर्ट जारी हुआ है। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट जारी हुआ है, इसमें भारत है इस बार 117वें स्थान पर। किस स्थान पर? 117वें स्थान पर। पिछली बार भारत था 115वें स्थान पर और 2 स्थान एक बार फिर से गिर गया है, और अब भारत आ गया है 117वें स्थान पर SDG रिपोर्ट में, यूनाइटेड नेशन की SDG रिपोर्ट में। अच्छा, भारत की रैंकिंग जो है दोस्तों वो 4 साउथ एशियन कंट्रीज से भी नीचे आ गई है। इन 4 एशियाई देशों में भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश हैं, इनसे भी भारत की रैंक नीचे गिर गई है। क्लियर? इस रिपोर्ट में भारत ने स्कोर किया है 61.9 आउट ऑफ 100। अभी दोस्तों पिछले दिनों में कुछ और भी रैंकिंग जारी हुई थी ग्लोबल रैंकिंग, जैसे कि अभी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आया था, इसमें भारत को 87वीं रैंक मिली थी, भारत 87वें स्थान पर था।
इसके पहले प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आई थी जिसमें भारत एक बार फिर से 142वें स्थान पर रहा। इसके पहले चार्टलर की गुड गवर्नेंस इंडेक्स आई थी, इसमें भारत था 49वें स्थान पर। चार्टलर की गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत 49वें स्थान पर था। ओके, इन सबको आपको याद रखना है। अगला, गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा हुई? तो गुजरात के केवड़िया शहर को दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। केवड़िया जिला, केवड़िया जिला तो आपको याद ही होगा दोस्तों, यहीं पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है 182 मीटर की, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसको अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी के रूप में गुजरात सरकार ने विकसित करने की घोषणा की है। यहीं पर दोस्तों जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है दोस्तों वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, इसको याद रखना आपको। इस पर मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो भी दी हुई है, आप देख सकते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, कॉमन पॉइंट हैं, उनको मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे इसको बनाया था, इस मूर्ति को L&T कंपनी ने, और जो मूर्तिकार थे वो थे रामवीर सुतार। कौन? रामवीर सुतार, इनका नाम याद रखना है, ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस मूर्ति का उद्घाटन हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को, क्योंकि 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है। ओके, अगला देखते हैं, गुजरात के बारे में जान लीजिए। गुजरात आया है तो गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। गुजरात ये रहा इंडिया के मैप में। विजय रूपाणी जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं दोस्तों विक्रमनाथ। कौन है? विक्रमनाथ। गुजरात दोस्तों ये महाराष्ट्र से अलग हुआ था 1 मई 1960 को, तो 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 मई 1960 को ये गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे। गुजरात अपना बॉर्डर किस तरीके से शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से शेयर करता है। गुजरात की कोस्टल बॉर्डर दोस्तों सबसे ज़्यादा है भारत में किसी भी राज्य की अपेक्षा, तो भारत में तटीय रेखा वाला सबसे बड़ी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात। गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क है और नल सरोवर पक्षी अभयारण्य भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया? तो केरल राज्य सरकार ने अभी हाल ही में नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन, इस मिशन के तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों केरल सरकार जो है वो स्किल्स को बढ़ावा देगी, साथ ही साथ वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करेगी, और इससे रिलेटेड जो भी जॉब होंगी वो जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी, नौकरियों की संभावनाएं बढ़ाई जाएंगी केरल राज्य में, ठीक है। तो इसी के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन को लीड करेगा केरल सरकार का ही के डिस्क डिपार्टमेंट। कौन? के डिस्क डिपार्टमेंट। के डिस्क का मतलब होता है केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल, तो इसके द्वारा इस मिशन को लीड किया जाएगा। ओके, अच्छा, अभी केरल राज्य सरकार ने ही दोस्तों स्मार्ट किचन योजना शुरू की थी, वो भी रिवाइज कर लीजिए, स्मार्ट किचन योजना। अगला देखते हैं, केरल के बारे में जान लीजिए। केरल देखिए दोस्तों यहाँ पर है मैप में, इंडिया के मैप में, यहाँ पर ये तमिलनाडु से और कर्नाटक से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। पिनरई विजयन अभी दोबारा से मुख्यमंत्री बनकर आए हुए हैं, यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ था, ये दोबारा से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में ही है, पेरियार नदी भी केरल में ही बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों रणजीत सिंह दिसाले जी को, इसे रणजीत सिंह दिसाले जी को वर्ल्ड बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। रणजीत सिंह दिसाले ये वही हैं जिन्होंने दोस्तों 2020 में ग्लोबल टीचर का प्राइज जीता हुआ था, और ये टीचर का प्राइज जीतने वाले ये इकलौते भारतीय हैं। ग्लोबल टीचर अवार्ड इनको मिला था 2020 में, तो इनको जून 2021 से जून 2024 तक के लिए वर्ल्ड बैंक का शिक्षा सलाहकार एजुकेशन एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। ओके, तो ये शिक्षक व्यावसायिक विकास सुधार करके देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करेंगे वर्ल्ड बैंक के। कहाँ के हैं ये? ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितवाड़ी गांव के रहने वाले हैं रणजीत सिंह दिसाले जी। अगला देखते हैं, नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है दोस्तों थॉमस विजयन ने। किसने? थॉमस विजयन ने जीता है नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। इन्होंने एक फोटो खींची हुई थी, इस फोटो का टाइटल था द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। क्या? द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन, ये इनकी इमेज का नाम है। वैसे तो ये हैं भारतीय मूल के, लेकिन अब कनाडा में जाकर रहने लगे हैं, ठीक है, भारत में रहते थे तो ये केरल के मूल निवासी हैं। तो इन्होंने एक फोटो खींची हुई थी, जो इमेज आपको दिख रही है यहाँ पर,
एक पेड़ से चिपका हुआ ओरंगुटान है, तो इसी की तस्वीर के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। और इस अवार्ड की प्राइज मनी है 1500 पाउंड, 1.5 लाख रुपीज़। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में किसे HSBC इंडिया का CEO नियुक्त किया गया? HSBC का जो इंडिया वाला जो फर्म है, जो सर्विस है, HSBC इंडिया, इसके CEO नियुक्त किए गए हैं दोस्तों हितेंद्र दवे। कौन? हितेंद्र दवे जी को नियुक्त किया गया है HSBC इंडिया का CEO। किसकी जगह पर आए हैं ये आए हैं सुरेंद्र रोसा जी की जगह पर, और सुरेंद्र रोसा को एशिया पैसिफिक का CEO नियुक्त कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र रोसा इससे पहले HSBC इंडिया के CEO थे, लेकिन अब उनको प्रमोट करके इंडिया पैसिफिक का बना दिया गया है, और हितेंद्र दवे को HSBC इंडिया का CEO नियुक्त कर दिया गया है। HSBC जो कंपनी है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, और चेयरमैन है मार्क टकर। कौन है? मार्क टकर है इसके ग्लोबल चेयरमैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के महान फुटबॉलर सामी खेदिरा ने संन्यास की घोषणा की? तो अभी हाल ही में जर्मनी के बहुत ही फेमस फुटबॉलर सामी खेदरा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। अच्छा, सामी खेदरा दोस्तों जर्मनी की तरफ से खेलते हुए जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ब्राज़ील में, फीफा वर्ल्ड कप 2014 में जब हुआ था ब्राज़ील में, तो उसको जर्मनी ने जीता था, और जर्मनी को जिताने में इनकी बहुत ही अहम भूमिका रही थी सामी खेदरा का। ठीक है, तो इन्होंने जिताया हुआ था। ये जर्मनी के लिए दोस्तों 77 मैच खेले हुए हैं और 7 गोल किए हुए हैं। क्लियर है? ये लीग मैचेस में, फुटबॉल लीग मैचेस जो होता है उसमें रियल मैड्रिड के टीम से खेलते थे। तो इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ये दोस्तों यूनाइटेड नेशन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, जो विभिन्न खाद्य से जनित जोखिम होते हैं इनकी रोकथाम के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। इस बार की जो थीम रखी गई है वो है सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। क्या है? सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो, इंपॉर्टेंट थीम है, इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, पहली बार कब मनाया गया? तो दोस्तों पहली बार वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2018 में मनाए जाने की घोषणा हुई थी, लेकिन पहली बार मनाया गया 2019 में। 2018 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसको मनाए जाने की घोषणा की थी, और जब पहली बार मनाया गया था 2019 में, तब ये फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस नाम के थीम के साथ मनाया गया था। ठीक है, इसी थीम के साथ ये मनाया गया था। क्लियर? तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, आपको डेली का डेली वीडियो मिलता रहेगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन 17 की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सूर्य के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? इनमें से कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? अगला, वर्तमान में त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। और हाँ दोस्तों, हिंदी के वीडियो कोर्स में लगातार वीडियोज आ रहे हैं और ऑलमोस्ट 70% तक का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने हिंदी का बैच अभी तक नहीं लिया हुआ है तो आप इसे जा करके ले सकते हैं MZT ऐप से। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है, तो दोस्तों आप 100% स्कोर कर सकते हो। इसमें आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी, नोट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा समय समय पर। क्लियर है? जा करके इसे आप MZT ऐप पर ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।